हाय गाइस, आज की इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको मिथुन चक्रवर्ती की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताने वाली हूँ। इस फिल्म में हमें अपने टाइम का एक वेरी डिमांडिंग पेयर स्क्रीन पर दिखने वाला था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही गैस किया। ये पेयर था वेरी हैंडसम मिथुन चक्रवर्ती और वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी टैलेंटेड मीनाक्षी शेषाद्री का, और साथ ही साथ राज बब्बर, सलमा आगा जैसे कलाकार भी फिल्म में मौजूद थे। दोस्तों, इसके अलावा इस मूवी को राजकुमार कोहली जैसे एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे। इस जबरदस्त फिल्म का नाम था गद्दार। और अब अगर बात की जाए इस मूवी से जुड़े कुछ पावरफुल पॉइंट्स के बारे में जो कि इस फिल्म को स्पेशल बना रहे थे, तो गद्दार एक फुल एक्शन मसाला मूवी होने वाली थी जिसमें हमें बॉलीवुड के एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में दिखाई देने वाले थे, और फिर साथ में ब्यूटीफुल मीनाक्षी शेषाद्री का फिल्म में होना फिल्म के लिए एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित होने वाला था। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी ने साथ मिलकर अपने फिल्मी करियर में बहुत सी शानदार और सुपर डुपर हिट फिल्में हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, जिन्हें ऑडियंस आज भी देखना उतना ही पसंद करते हैं जितना कि पहले करते थे। और इनकी सभी फिल्मों के डायलॉग्स और स्टोरी और उसके गानों पर लोग आज भी थिरकते हैं। तो कुल मिलाकर यह मूवी भी मिथुन की बाकी सारी दूसरी फिल्मों की तरह ही एक जबरदस्त फिल्म साबित होने वाली थी। और इसके अलावा हमें इस फिल्म में राज बब्बर और सलमा आगा जैसे कलाकारों की केमिस्ट्री भी नजर आने वाली थी, जो इस मूवी को और भी ज्यादा शानदार बनाने वाली थी। तो गाइस, यह बात है साल 1988 की जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था, मगर फिर अनाउंसमेंट के बाद यह मूवी कभी शूटिंग फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाई और फिर किसी अननोन रीजन की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। और फिर इस तरह से हम सभी ऑडियंस को मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, सलमा आगा जैसे सितारों से सजी ये जबरदस्त गद्दार जैसी मूवी फिर कभी देखने को नहीं मिल पाई। तो फ्रेंड्स, क्या आप सभी लोग कुछ बोलना चाहोगे कि अगर ये गद्दार मूवी उस टाइम पर रिलीज होती तो सुपरहिट होती या नहीं? हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।